नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी, फेस टू फेस लेकर हाजिर। और आज का मुद्दा है योगी सरकार का पास हुआ चौथा बजट। जी हां, बजट को लेकर उम्मीदें थी, आम से लेकर खास इस बजट पर टकटकी लगाए बैठा था। हर कोई ये जानना चाहता था कि उसके लिए इस बजट में क्या खास होने वाला है, फिर वो प्रदेश का किसान हो या फिर नौजवान। कारोबारी तबका भी बजट का इंतजार कर रहा था। तो वहीं योगी सरकार का चौथा बजट पेश हुआ और इस बजट में किसे क्या मिला? क्या योगी सरकार के ऐतिहासिक बजट में स्वास्थ्य शिक्षा विकास को लेकर जो उम्मीद थी वो है? विपक्षी पार्टियों का बजट भाया या फिर नहीं, इसी पर आज फेस टू फेस होंगे हमारे खास मेहमान बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी, तो वही समाजवादी पार्टी से अरविंद कठेरिया जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। गैर परों से उड़ सकते हैं हद के हद दीवारों तक, और अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये था उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का शायराना अंदाज। यूपी सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना ने अपने भाषण की शुरुआत धार्मिक प्रतीकों से की। मानवर उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का बोध क्षेत्र है, गंगा यहाँ है, यमुना भी यहाँ है, ऋषियों की नदी तमा सरस्वती यहीं इसी भू क्षेत्र में प्रवाहित थी। अब भले ही अदृश्य हो, लेकिन हम सबके मानस में वे आज भी प्रवाहमान हैं। तीनों का संगम तीर्थराज प्रयागराज यहाँ है, यहीं 2019 में दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ का अभूतपूर्व आयोजन बहुत भव्यता के साथ किया गया। धार्मिक महत्व के नगरों के विकास के लिए इस बजट में खास जोर दिया गया है। यूपी विधानसभा में 5,12,860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया गया, जो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक हर क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा गया है। ये बजट युवा पीढ़ी के लिए भी खास है। मसलन अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़, अयोध्या मथुरा वृंदावन को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना, गोरखपुर मेरठ गाजियाबाद फिरोजाबाद और शाहजहांपुर भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में, नोएडा के जेएर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़, दिल्ली से मेरठ तक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़, गोरखपुर आगरा और कानपुर मेट्रो रेल के लिए 844 करोड़ रुपया, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,000 करोड़ रुपया। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट में 18,363 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में लॉ विश्वविद्यालय, तो सहारनपुर अलीगढ़ और आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ और केजीएमयू के लिए 919 करोड़ का इंतजाम किया गया है। यूपी पुलिस को बेहतर बनाने के लिए 122 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। युवाओं को 2,500 रुपए का स्टाइफंड देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यूपी के हर जिले में होगी युवा हब बनाने की योजना, जहां उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। नए जिलों में 100 बेड के जिला अस्पताल, तो मौजूदा अस्पतालों को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। नए मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर बनाने का प्रस्ताव है, तो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर संस्थान जैसे अहम इंतजाम इस बजट में किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी के इस बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए भी कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तमाम जरूरी योजनाओं को और बेहतर तरीके से जमीन पर उतारने का भी इरादा है। इसके लिए योगी सरकार ने अलग से फंड का इंतजाम किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट से यूपी के लोगों की जिंदगी में खुशहाली के नए रंग भरेंगे। लखनऊ से नरेंद्र यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो इस चौथे बजट में योगी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। रिपोर्ट पर भी आपने नजर डाली और कहीं ना कहीं संतुलित जो है ये योगी सरकार का चौथा बजट रहा है, लेकिन इसमें कितनी उम्मीदें पूरी हो रही हैं और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। तो इसी चर्चा को हम शुरू करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, चर्चा आपसे ही हम शुरू करना चाहेंगे। तो योगी सरकार के चौथे बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे बड़ा बजट यूपी इतिहास में? आसमा जी, निश्चित रूप से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा बजट दिया है और जिसमें उन्होंने विशेष रूप से शहरों को साधने की कोशिश की गई है। मुझे दुख इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी दर 9.9% बढ़ चुकी है और 22 किसान प्रति दिन सुसाइड कर रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार डीएपी और यूरिया खादों की सब्सिडी पे लगातार कटौती की जा रही है। अभी पिछला जो केंद्र सरकार का बजट आया था उसमें मंडी कर 2% से बढ़ाकर के 3% कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम और चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप शहर में तो आप अच्छा बजट दे रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, आज जो किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खादों पे सब्सिडी होनी चाहिए, उनको फसलों के लिए जो बीमा होना चाहिए, फसल बीमा जो लगातार बाहरी कंपनियां कमा रही हैं और किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, किसानों के सब्सिडी के लिए स्पेशल बजट कोई नहीं दिया है, नौजवानों के लिए जो बैंक के माध्यम से बेरोजगारों के लिए लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है उसके लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने किसान के मुद्दे को बिल्कुल नकार दिया है और मैं कहूं कि किसान के लिए औजारों के लिए खेती के औजारों के लिए जिस तरह औजारों के लिए इनका 24-28% जीएसटी टैक्स लगा रहे हैं, आखिरकार किसान कैसे अपने ट्रैक्टर को और फसलों को जोतने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनको कैसे खरीद सके? मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी इस तरह ऐसा बता रहे हैं, आम जनता क्या करेगी? नहरें सूखी पड़ी हैं, नहरों में पानी नहीं है, उनकी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, ट्यूबवेल के लिए कोई काम नहीं किया। जी 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 आसमा जी, आपने देखा है कि योगी जी ने हर क्षेत्र का जो है ना विकास के लिए फंड अलग अलग रखा है और जैसे कहा इन्होंने बेरोजगारी बढ़ रही तो युवाओं का भी इसमें ध्यान रखा है 2,500 रुपए का और किसानों के लिए समर्थन मूल्य रखा है कि उनको समर्थन मूल्य एक फिक्स बना दिया कि इतना होना चाहिए और किसानों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और किसान मंडी के ये कह रहे हैं किसान के लिए मंडी जगह जगह डिस्ट्रिक्ट और क्या तहसील लेवल पर भी मंडी खोली गई है और गन्ना किसान के लिए गन्ना का भुगतान जो पहले पड़े थे वो भी हो चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं वो भी हो रहे हैं। आज गन्ना किसान का जो है ना समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, पहले 100 और 125 तक चला करता था, आज हमने 300 से ऊपर कर दिया गन्ना किसान का। आज यूपी में गन्ना किसान खुशहाल है, गन्ना पैदावार कर रहा है, नहीं एक समय वो गन्ना करना ही समाजवादी के टाइम गन्ना किसान गन्ना पैदा करना ही छोड़ चुका था। अभी जी आप दुख जता रहे हैं, यहाँ पर खुशहाल है गन्ना किसान। और एक मिनट और सुन ले आसमा जी, जब समाजवादी की सरकार थी तो किसान जो है ना खेत में पानी लगाने के लिए ये देखा करता था कि लाइट कब आएगी और ट्यूबवेल के पास ही बैठा रहता था 24 घंटा की कब लाइट आए, हम कब ट्यूबवेल चला के थोड़ा बहुत खेत में जितना पानी लगे लगा ले। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि किसान ट्यूबवेल को चालू करके आराम से घर पे सोता है जाके, उसको ये चिंता नहीं है कि हमारा खेत लाइट चली जाएगी तो नहीं भरेगा। आज 24 घंटा किसान को लाइट मिल रही है, कहीं से कहीं किसान को कोई तकलीफ नहीं है, किसान को कोई तकलीफ नहीं है। अरविंद आसमा जी, निश्चित रूप से मैं पहले अपने शब्दों में पहले भी कह चुका हूं कि इनकी शहरों में बिजली व्यवस्था है वो ठीक हो रही है, ठीक है ना, लेकिन जो ग्रामीण लेवल पर जैसे कि ये कह रहे गन्ना किसान खुश है, आज भी मुजफ्फरनगर में लगातार आंदोलन चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की आंदोलन नए आंदोलनों को जन्म दे रही है और हर घड़ी हर क्षण मुश्किल में आ रही है। देखिए अभी आप देखिए अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, दिल्ली का इलेक्शन आंदोलन चीज अलग हो जाती है, इन्होंने एक आंदोलन करने वाली राजनीतिक पार्टी आए किसान नहीं होते, सिलेंडर पे बढ़ा दिया। देखिए आज नौजवान सुसाइड कर रहा है, आज किसान सुसाइड कर रहा है, हमारे किसानों के लिए कोई बिल्कुल नहीं है, ये आंकड़े आप पता नहीं कहां से लेके आए हो।
कोई आज उत्तर प्रदेश का किसान अपने आप में खुद कह रहा है कि हम इतने खुशहाल हैं, घूम रहा इतने खुशहाल कभी किसी सरकार में नहीं हुए। बिल्कुल माननीय योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को जो है ना जीरो से उठा के ले गए, जब हमारी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो वहाँ माफिया राज चला करते थे, बालू माफिया, पुलिस माफिया, भू माफिया, हर तरह के वहाँ माफिया थे और ठेकेदारी करते थे, थानों में बैठ के ठेकेदारी होती थी, किसकी रिपोर्ट लिखना है किसकी नहीं लिखना आपके है। सरकार बालू का बालू रेल माफिया इतना वहाँ इतना पैर पसारे था कि एक आईएएस अधिकारी को बालू माफिया के कहने से सस्पेंड किया गया था, जो सुर्खियों में रहा था वो तो। वहाँ समाजवादी के टाइम टोटल ही माफियों का राज्य था और माफिया पूरे प्रदेश को चला रहे थे। आज माननीय मोदी जी कह रहे योगी जी ने ये सब कुछ खत्म कर दिया है, सबको सीधा लाभ पहुंच रहा है। सिंह साहब देखिए, अब आपने बोल दिया, मुझे बोलने दे। सिंह साहब आप ठीक है, आप अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं नहीं, बस समाजवादी पार्टी बयान कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, उनकी शालीनता उनका विवेक हमेशा नौजवान किसान और महिलाओं पर प्रेरित रहता है। देखिए हमने कई लाख महिलाओं को पेंशन 500 रुपए पेंशन शुरू की थी, उनके घर के लिए खर्चा मिलता था, आज आप लोगों ने वो भी बंद कर दिया है। आज देखिए कितने दुर्भाग्य, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, आप लोग इसके गवाह हैं। महिलाओं ने, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने और अन्य प्रदेश की महिलाओं ने अपने गैस सिलेंडर को कूड़े के ढेर में फेंकना शुरू कर दिया है। आज बताइए आम जनता कैसे, इतनी महंगाई आप कर दोगे 850 रुपया, ऑलरेडी सिलेंडर एक जमाना था, स्मृति ईरानी जी ने 7 रुपया बढ़ाया था तो मनमोहन सिंह जी को चूड़िया भेंट की थी, आज आप 150 रुपया। मैं कहना चाहूंगा ये उस टाइम की बात कर रहे हो, आज में तब लोगों की अगर सैलरी अगर 5,000 हुआ करती थी आज 20,000 है। अब महंगाई भी तो देखो कहां से कहां पहुंची, महंगाई हो तो चीजों के भी रेट बढ़ेंगे। मुझे कभी उसको ना पकड़ गया कि उस टाइम ये था, मुझे कभी कभी बहुत बचपना नजर आता है सरकार की मैच्योरिटी में। देखिए मैं बहुत छोटा सिपाही, सरकार जितना अच्छा काम आज कर रही है समाजवादी ने नहीं किया, समाजवादी मुंह देख के काम करती थी। अगर ये एक जाति की कम्युनिटी है तो ये दे दो, दूसरी जाति है तो ये दे दो, समाजवादी सरकार का कार्य में गिनाऊ ना। अगर जो है कब्रिस्तान है तो इसकी बाउंड्री बनवा दो, और अगर जो हिंदुओं का जो है ना शमशान घाट है तो इसको मत बनवाओ। ये समाजवादी सरकार ये करती थी, योगी सरकार ये नहीं कर रही है। अगर कब्रिस्तान को बनवाएगी तो शमशान घाट की भी बाउंड्री बनेगी, अगर मंदिर का विकास होगा तो मस्जिद का भी विकास होगा। हमारी सोच क्योंकि नहीं कहा यहाँ पे परिवार विचारधारा बन चुकी है, राम मनोहर जी का तो विचारधारा आपके यहाँ से निकल चुकी है, आपके यहाँ से परिवार बाद की विचारधारा बन चुकी है। कैप्टन आई सिंह जी सवाल जो विपक्ष लगातार विपक्ष का काम है विरोध करना, कितना भी अच्छा करो। आज जो हमने किया है पिछली, चाहे वो सपा सरकार रही हो चाहे बसपा रही हो, इन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया, इन्होंने सिर्फ वहां जाति कार्ड खेला है। समाजवादी नहीं तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, मायावती नहीं तो उन्होंने खेला, इन्होंने सिर्फ जातियों का ध्रुवीकरण किया, विकास नहीं किया। तो आप दो दो बार आपकी सरकार रही, लाइट पूरे प्रदेश में क्यों नहीं थी? आज हमारे 3 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में लाइट है और भरपूर मिल रही है, 2400 घंटा मिल रही है। हमने 3 साल में वो करके दिखाया है, आप लोग जो है ना दंगे साल रहे। अरविंद जी आपके पास आएंगे, आप दुख जता रहे हैं और कैप्टन आईसिंह जी जैसे कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बजट है और देश का किसान आज खुशहाल है, लेकिन बाकी जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो एक बार आपको सुनवाते हैं बजट को लेकर। पूरी तरह से जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर युवाओं को जो है ट्रेनिंग दे करके उनको स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और ये बजट भी पूरी तरह से युवाओं के ऊपर निर्धारित है और अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, तो युवाओं को केंद्रित करते हुए इस बजट को बनाया गया है। और सभी जितनी भी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का ही है और उत्तर प्रदेश में भी युवाओं की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कार्य किया गया है। बजट किसी के हित में है ही नहीं है, पुराने बोतल में नया पानी भर करके ये दो लोगों को लुभा रहे हैं।
ये महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये किसी के हित में नहीं है। ये केवल एक परंपरा जो बजट पढ़ने की होती है उन्होंने पढ़ दिया, किसी न किसान के हित में, किसी के हित में इन्होंने बजट में कुछ दिया ही नहीं है। उम्मीद था स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था ये सरकार करेगी। जिस शहर से गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, अभी उन्हीं के अस्पताल में, जिला अस्पताल के बाहर पानियों का जमावड़ा है, कहीं किसी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवाई के इंतजाम नहीं है, अगर उसकी व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है। जहां देखा जाए किसानों के लिए सरकार ने कोई नई योजना नहीं लाई। हमें उम्मीद था कि किसान आयोग का गठन होगा, आवारा पशुओं के लिए उनके गृह आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करेंगे, छत्तीसगढ़ से कुछ ये सरकार सबक लेगी। हमें उम्मीद था कि ये किसानों के लिए और बेहतर व्यवस्था करते हुए जो लोग रखवाली कर रहे हैं उनको किसान भत्ता देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो आपने सुना कैप्टन आइसिंग जी, सवाल यहाँ पर सीधे खड़ा किया कि किसी के हित में नहीं है ये बजट, और ये भी सवाल खड़ा किया कि अस्पतालों में दवाई नहीं, स्वास्थ्य हित में जो मिली वो नहीं थी। आत्मा जी आप सुने, आपका जवाब अस्पताल में 100 बच्चे से ज्यादा मरे थे ऑक्सीजन की कमी से। आप देखिए, एक बात बताइए, आज बिहार में जब आपकी बाढ़ आई थी तो डॉक्टर कफील वहां अकेले भारत के ऐसे डॉक्टर थे जो फ्री इलाज करने गए थे। आजादी हम उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप इधर उधर ना भागे, आप उत्तर प्रदेश की बात करें। हम उत्तर प्रदेश पे बात करना चाहते हैं, बिहार की बात आएगी तो बिहार पे करेंगे। आप शैक्षिक जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, आप चाहे बीएचयू हो चाहे एमयू हो, आप उनको जो बच्चों के स्कॉलरशिप है वो नहीं मिल पा रही है। आज किसानों को आप गलत कह रहे हैं, बराबर स्कॉलरशिप मिल रही है और बच्चों को बढ़ा के दी जा रही है। अभी आपने देखा कि क्या कहा है, किसान युवा के लिए योजना लाए है, वो युवाओं के लिए लाए है, जो पहरा दे रहे हैं, नए मेडिकल बना रहे, कॉलेज बना रहे, नए हम स्कूल बना रहे, नए हम प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं के ही लेके आ रहे हैं। ये आपका कहना गलत है, और ये जो है ना समाजवादी नेता है, उनका काम है विरोध करना, तो उनकी टोटल राजनीति विरोध करने पे रहती है। आपने 5 साल के सरकार में क्या दिया था, भ्रष्टाचार, भूमाफिया का जो है ना वहाँ बढ़ावा, आपने 5 साल में क्या किया था, बालू माफिया, अरे आप भूल गए, आपने आपके नेता जो है ना जेल में गए, आप भूमाफिया आपके कितने जेल में गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का टाइम होता था आसमा जी, अगर आप अपने घर से 5 दिन के लिए बाहर चले गए ताला लगा के तो लौट के आपका घर आपको नहीं मिलेगा, उसमें कब्जा हो जाता था। और कौन करते थे, समाजवादी के नेता करते थे, सीधे सीधे। एक मेरे रिश्तेदार थे, मैं घटना बता रहा हूँ, पीएचई में थे बेचारे, रिटायर होने वाले थे वो, जो है ना लखनऊ में थे, रिटायर होने वाले थे, तो पूरी जिंदगी की कमाई लेके उन्होंने एक मकान बनाया लखनऊ में, और उसका उद्घाटन कराने के लिए समाजवादी के एक बहुत बड़े नेता है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनको बुलाया उद्घाटन कराने के लिए। तो जैसे उद्घाटन हुआ, उन नेताजी का क्या कहना था उनसे, बोले मकान तो बहुत अच्छा बनाया, शाम को चाबी इसकी हमारे पास घर पे भिजवा देना, आपने उद्घाटन कर लिया, आपके लिए बहुत है। तो इस तरह से होता था आपके यहाँ, कहोगे तो नहीं, नहीं कहोगे तो मैं नापी ले दूंगा। आपको नीचे कहानी नहीं है, मैं प्रूफ के साथ मैं नापी ले दूंगा। आपके बहुत बड़े नेता है, आप जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। कानपुर देहात आपके हाथ सरे, आप 5 साल में लूट होती थी जबरदस्ती, लोगों के मकान कब्जा होते थे, प्लॉट कब्जा होते थे, जमीनें कब्जा होती थी 5 साल में। इसके अलावा समाजवादी ने वहां और कुछ नहीं किया है। सबसे ज्यादा बलात्कार आपके कार्यकाल में, बलात्कार का परसेंटेज जितना आपके यहाँ था, आज हो रहा है तो कोई 1-8 परसेंट भी नहीं है, 0 है आपके यहाँ। तो उसका सर्वाधिक बलात्कार हो रहे थे, सर्वाधिक लूट हो रही थी, सर्वाधिक हर चीज में पड़े हुए। अरविंद जी, आप और आपकी पार्टी, अरविंद जी आप और आपकी पार्टी ये आरोप लगाती रही, भेदभाव का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया जाता था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जो आरोप विपक्ष लगाता आ रहा था, उन आरोपों पर कहीं ना कहीं सीएम योगी और योगी सरकार के इस चौथे बजट ने जवाब दे दिया है, और संतुलित जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये बजट सामने आया, तो सीएम योगी की तरफ से इस बजट के पास बात क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा
दोनों की गुणवत्ता में व्यापक अंतर देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश में 28 नए मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की प्रक्रिया को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया, जिसमें 7 में इसी सत्र में प्रवेश किया है, 8 में इस नए सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और 13 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में हम लोग शिलान्यास करके इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में प्रवेश भी हो गया है, ओपीडी भी वहां प्रारंभ हो चुकी है और मुझे लगता है इसी सत्र में हम लोग वहां पर लगभग 350 बेड के हॉस्पिटल को वहां पर इंडोर पेशेंट के लिए वहां पर हम सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बजट आया उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि आप लोगों की पार्टी और आप ये आरोप लगाते आए भेदभाव का, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सैफई और आजमगढ़ के लिए भी इस बजट में जो है ऐलान यहां पर किया गया है और मुस्लिम और मदरसों के लिए भी जो जिसका हित आप साधते आए हैं उनके लिए भी एक बड़ा ऐलान इस बजट में है, तो आपके सारे आरोप धराशाही रह गए यहाँ पर। आसमा जी, निश्चित रूप से योगी जी ने सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, अल्पसंख्यक के लिए दिया है और उन्होंने घोषणा की है। देखिए पिछली सरकार पिछली तो विपक्ष में बैठे हैं सर, इसलिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। साल भी घोषणा की गई थी लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं उन लोगों ने खर्च किया। आज यदि वास्तव में आदरणीय योगी जी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो मैं सबसे आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारी जो सरकार ने महिला पेंशन योजना शुरू की थी और वो तुरंत उसको शुरू किया जाए और जो इस समय मनरेगा व्यवस्था पे जो मजदूर गरीब लोगों को पैसा मिलता था उसको इमीडिएट शुरू किया जाए। आज इन्होंने सिर्फ एक सेकंड आप बोलने दीजिए, इसके बाद ट्यूबवेल्स और नहरों की सफाई के लिए आज नहरों में नहरें सूखी पड़ी हैं, पानी नहीं है, उसकी तुरंत व्यवस्था की जाए और एम्बुलेंस की जो सुविधा गांव में मरीज अब 12 बजे रात में तबीयत खराब होती है तो हमारा पेशेंट गांव का भाई मेडिकल कॉलेज तक कैसे पहुंचे, शहर तक पहुंचे आसमा जी? आज एम्बुलेंस सुविधा आप फोन करिए तुरंत एम्बुलेंस घर पे पहुंचती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप देखिए हर जगह एम्बुलेंस उपलब्ध है और हॉस्पिटलों में बेड पहले से बढ़ाए गए हैं। ये गलत, हाँ एक काम नहीं हो रहा कि समाजवादी टाइम में जो ठेकेदारी होती थी वो बंद हो चुकी है, ठेकेदारी टोटल बंद कर दी है माननीय योगी जी ने। हम और हम किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सबके हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। आपके टाइम था कि एक कम्युनिटी का विकास करना, बाकी लोगों को छोड़ देना, आपके टाइम ये होता था। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ सबका विकास सबका साथ हो रहा है, मगर आपके यहाँ गिने चुने लोगों को विकास होता था। 1090 विकास एक जाति समाज का होता था, एक विकास एक परिवार का होता था। आज सबको एक निगाह से देखा जा रहा है, एक विकास की एक दौर में बांधा जा रहा है। आज ये समाजवादी सरकार में कभी नहीं हुआ, समाजवादी सरकार में रिश्तेदारों का विकास होता था। सरकार आज पूरा या आज पूरा देश का और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान चिल्ला रहा है कि 2022 में आज उत्तर प्रदेश का नौजवान खुशहाल है, वो कह रहा है कि अगर शासन है तो आज है। आप समाजवादी शासन में तो उत्तर प्रदेश का युवा ठगा हुआ महसूस करता था अपने आप को, आपको ठगा हुआ महसूस करता था, बोलने नहीं दिया जाता था, जनता अपने अपहरण हो रहे थे, कितने पिंग हो रही थी, विकास की तो कोई बात होती नहीं थी। अरविंद जी, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से बजट आया है, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट इसको कहा जा रहा है, आज वहां तो हर वर्ग को आज वहां गुंडे बदमाश जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आपके टाइम गुंडे बदमाश जेल से बाहर घूमते थे खुले, आज कहते हैं कि हमें जेल में रहने दो, नहीं तो प्रत्यारोप तो ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। आप दोनों की तरफ से और समय की कमी है और यहाँ पर इजाजत में आप दोनों से ही लेना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम पर आने के लिए। लेकिन जिस तरह से बजट सामने आया है, खासे उम्मीदें जो आम जन लगाकर बैठा था, कहीं ना कहीं उसको संतुलित करता हुआ ये चौथा बजट योगी सरकार का सार्थक होता दिख रहा है। हालांकि अब अमलीजामा किस तरह से पहनाया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ फेस टू फेस में बस इतना ही, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।